हेलो दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप मेरे यानी प्रीति के साथ। आज हम करने वाले हैं बोट पोज यानी नौकासन। कुछ लोग इसे नवासन भी बोलते हैं। ये आसन आपको ढेर सारे फायदे देता है। ये आसन एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग पोज है जो आपके माइंड और बॉडी के बीच अच्छा सा बैलेंस बनाता है। इसके अलावा ये कोर को स्ट्रेंथन करता है, आपके कोर मसल्स को मजबूत बनाता है। अगर आपको बाहर निकले पेट की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने के लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है। जो लोग अपने एब्स बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये आसन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये आसन आपके पेट के ऑर्गन्स का ख्याल रखता है, उनकी अच्छी सी मसाज करता है, उन्हें स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा लोअर बॉडी के लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ये आपकी टांगों में नई जान फूंकता है। तो चलिए, अब आप इसके फायदे जान ही गए हैं तो जान लेते हैं कि इस आसन को करना कैसे। इस आसन को काफी सारे तरीकों से किया जाता है जो सारे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें कॉमन ही रहती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी वी शेप में रहती है, नाव की शेप में रहती है, और इसीलिए इस आसन को नौकासन कहा जाता है। चलिए, जो पहला तरीका है इस आसन को करने का, जिस तरीके से मैं इसे करती हूँ, वो ये है कि आप अपने पैरों के टोज को यानी अंगूठों को पकड़ लें, हिप्स पर बैलेंस बनाएं और टांगों को सीधा करें। आसन को करने का, उसमें हम अपने पैरों के अंगूठों को नहीं पकड़ेंगे और पैरों को पकड़े बिना ही हम नी की शेप बनाएंगे, लाइक दिस। पैर तने हुए, हाथ सीधे और अपनी हिप्स पर बैलेंस बनाएं। अच्छा, कुछ लोगों को इस आसन को इस तरीके से और इससे पहले वाले तरीके को करने में भी परेशानी होती है, उनके लिए बहुत ही सिंपल वेरिएशन मैं आपको बताती हूँ। अपने पैरों को थोड़ा मोड़ कर रख लीजिए अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे और आपके हाथ सीधे रहेंगे। अब अपने हिप्स पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इतने भी मुड़ रहे हैं तो भी चलेगा, धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। चलिए, अब मैं आपको इसका चौथा वेरिएशन समझाती हूँ जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है करने में। पहले आप ये तीन वेरिएशन ट्राई कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो जाएं तब आप ऐसा वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाएं। आप देख सकते हैं इसमें बॉडी ज्यादा नहीं उठ रही है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगेगी आप। रिलैक्स। वन मोर टाइम। तो चलिए, एक बार फिर ट्राई करते हैं और अब सांसों का नियम समझते हैं। जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे तब आपको इनहेल करना है यानी सांस लेनी है, और उसके बाद अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, सांस रोक लेनी है और बैलेंस बनाना है। और वापस आते हुए एक्सहेल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो चलिए, अब आपने सीख लिया है कि इस आसन को करना कैसे है। अब बात करते हैं इसकी सावधानियों के बारे में जिन्हें आपको जरूर गौर करना है इस आसन को करने से पहले। नंबर वन, अगर आपके हिप्स का या फिर टांगों का या फिर पेट का हाल ही में कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है तो इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। अगर आपको कुछ समय बीत चुका है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो भी एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही इस आसन की प्रैक्टिस करें।
कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है और उन लोगों को इस आसन को करते समय थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर हल्का फुल्का खिंचाव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको तेज दर्द हो रहा है पेट में, अगर आपको लग रहा है कि मसल पुल हो गई है, तो तुरंत रुक जाएं, शवासन में लेटे और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद हो पाई होगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। और ऐसे ही अमेजिंग योग वीडियोस से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक हिंदुस्तान।